हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो आज हम करने वाले हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। हमारी अभी यूनिट फर्स्ट ही चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। और ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हर एक पॉइंट को, हर एक शब्द को ध्यान में रखते हुए पढ़ते चलना है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर समझने का काम करना है। और यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको भी देखिए, क्योंकि यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इजी है और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो जैसा कि हमें पता है कि बाल विकास के अंदर हम अध्ययन करते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक, ठीक है। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक का अध्ययन करते हैं, ये हमें पहले ही पता है। तो इन्हीं अवस्थाओं का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। चलिए, भारतीय शैक्षणिक परिवेश में बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? शैशव अवस्था, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। इसमें 2 से 5 वर्ष को हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं 2 से 5 वर्ष को, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसे हम 6 से 12 वर्ष तक देखते हैं, या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की मानी जाती है। यह भारतीय शैक्षणिक परिवेश के अंतर्गत ये सभी एज जो है वो दी हुई है, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट है आपका शैशवावस्था, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक की मानी जाती है। एक चीज याद रखनी है आपको कि कहीं आपको 0 से 5 वर्ष मिले तो वो शैशवावस्था के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 0 से 5 वर्ष का मतलब है कि उसमें गर्भावस्था और शैशवावस्था दोनों ही सम्मिलित हैं। लेकिन जब केवल शैशवावस्था की बात होगी तो वो जन्म से 5 वर्ष तक की मानी जाती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल व आदर्श काल है टॉय एज, 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। प्री गैंग एज भी कहते हैं इसे, और प्री स्कूल एज भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ हर एक पॉइंट जो है वह आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल कौन सा है, कौन सी अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, वो है आपका शैशव अवस्था। आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं? शैशव अवस्था को कहते हैं। खिलौनों की उम्र कौन सी है? अब खेल की आयु और खिलौनों की आयु, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ टॉय एज, खिलौनों की आयु जो है वह 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है, और 6 वर्ष के बाद हम देखेंगे कि खेल की आयु, ठीक है। तो शैशवावस्था जो है वह उसे टॉय एज भी कहते हैं। प्री गैंग एज, क्योंकि यहाँ पर गैंग जो है वो नहीं बन पाती है, अभी बच्चा इतना सक्षम नहीं होता है कि वो गैंग बना सके, तो यह गैंग बनाने से पहले की अवस्था है, इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं। अभी बच्चा जो है वो स्कूल में एंट्री नहीं कर पाया है, तो उसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं। किसे? शैशव अवस्था को, ठीक है। याद रखना है, यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन बन चुके हैं। शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था, सबसे महत्वपूर्ण काल जीवन का शैशव अवस्था, आदर्श काल शैशव अवस्था, खिलौनों की आयु शैशव अवस्था, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज शैशव अवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। आप मेरे साथ साथ ही इनको बोलिए जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। अब चलिए कुछ डेफिनेशन है उनसे समझ लेते हैं। जॉन लॉक महोदय का कहना है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, ठीक है। जॉन लॉक कहते हैं कि जो शिशु होता है उसका मस्तिष्क बिल्कुल कोरी स्लेट होता है, जिसे उन्होंने टैबुला रासा की संज्ञा दी है। जॉन लॉक की डेफिनेशन में आपको टैबुला रासा वर्ड जो है उसको ध्यान में रखना है। नवजात शिशु में अनुभव का अभाव रहता है, क्योंकि नवजात शिशु है उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसके अंदर अनुभव का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। ट्रिक क्या है जॉन लॉक की, कि टेबल में लॉक लगा दो। टेबल में जैसे हम लॉक लगाते हैं, कुछ सामान वगैरह रखते हैं तो वहां लॉकर होता है, तो टेबल में लॉक लगा दो, तो जॉन लॉक से लॉक हो जाएगा और टेबुला रासा से हो जाएगा टेबल, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोंटेसरी। मोंटेसरी कहती है कि बच्चों का दिमाग स्पंज की तरह होता है। बच्चों का दिमाग कैसा होता है? स्पंज की तरह। जॉन लॉक में याद रखना है टैबुला रासा वर्ड, और मोंटेसरी में याद रखना है स्पंज।
नेक्स्ट है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का कहना है शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। हमने सबसे पहले पढ़ा था सबसे महत्वपूर्ण काल और आदर्श काल कौन सा है, शैशव अवस्था। तो ये वैलेंटाइन का ही कथन है कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। नेक्स्ट है डेफिनेशन फ्राइड की। फ्राइड का कहना है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। तो मनुष्य जो है उसे जो कुछ बनना होता है वो 5 वर्ष में दिख जाता है कि वह क्या बनेगा। तो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे याद रखेंगे, मैगी 5 मिनट में फ्राई होती है। बिल्कुल, मैगी जो है वो 5 मिनट में ही बनती है। तो फ्राइड से हमारा हो जाएगा फ्राई और 5 मिनट से हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। एग्जाम में आपको ये ट्रिक जो है वो हेल्प करेगी। मैगी 5 मिनट में फ्राई होती है, तो आपको अगर डेफिनेशन में दिख जाए कि 5 वर्षों में बन जाता है और वहां पर ऑप्शन फ्राइड हो तो आप इसे सही कर देंगे। नेक्स्ट है रॉस के अकॉर्डिंग। रॉस कहते हैं शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसको भली भांति निर्देशन अपेक्षित है। रॉस कहते हैं कि शिशु जो होता है वो कल्पना का नायक, कल्पना का जो हीरो होता है वो, अतः उसको भली भांति उसे अच्छी तरीके से ही हमें निर्देश देना चाहिए। ये कौन कहते हैं, रॉस। नेक्स्ट है डेफिनेशन वॉटसन की। देखिए डेफिनेशन बहुत है, डेफिनेशन का मतलब ही है कि हम उस वर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें। इसके अलावा डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। वॉटसन कहते हैं शैशव अवस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। ठीक है, अब वॉटसन का कहना है कि शैशव अवस्था में जो विकास है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में सबसे अधिक तीव्र होता है। इतना याद रखिएगा। वॉटसन की ट्रिक से याद रखते हैं, सन तीव्र रोशनी देता है। ठीक है, तो चंद्रमा से भी ज्यादा रोशनी जो है वो सन देता है, सूरज देता है, तो सन तीव्र रोशनी देता है, ऐसे याद रखेंगे। वॉटसन यानी सन, और सन से जो सूरज होता है वो, और सीखने की तीव्र अवस्था जिसमें तीव्र रोशनी देता है, इसे याद रखिएगा, सन तीव्र रोशनी देता है। नेक्स्ट है वॉटसन की ही है। वॉटसन कहते हैं जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। तो वॉटसन का कहना है कि बाद में बालक जो है उनमें अंतर दिखाई देता है, उनके विकास की गति जो है वो सभी की समान नहीं होती है, लेकिन जन्म के समय वो सभी समान होते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। जब हमने वॉटसन की डेफिनेशन याद की है तो हमने ट्रिक में भी दोनों ही चीजें समान ली हैं। यहाँ पर भी सन लिया है हमने, यहाँ पर भी सन लिया है, जिससे कि याद हो सके, क्योंकि वॉटसन में सन वर्ड आता है तो सन समय पर ही निकलता है। तो दोनों डेफिनेशन याद करिएगा, सन तीव्र रोशनी देता है और सन समय पर निकलता है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो का कहना है कि 20वीं शताब्दी जहाँ के मनोवैज्ञानिक जो है वो ये कहते हैं कि विकास जो है वो व्यवहार पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा था जब हमने मनोविज्ञान की डेफिनेशन देखी थी, तो वॉटसन जो है वो व्यवहार की ज्यादा बात करते हैं, तो वो 20वीं शताब्दी के थे। तो क्रो एंड क्रो भी यही कहते हैं कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ट्रिक कैसे है, वह बच्चा 20 वर्षों तक काय काय करता रहा। तो हमने पहले से भी क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन इसी तरीके से याद की है, काय काय वर्ड से क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो वह बच्चा जो 20 वर्षों तक काय काय करता रहा, तो 20 वर्षों से इसकी डेफिनेशन में आया हुआ है 20वीं शताब्दी, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि जो बच्चा होता है वो जल्दी से ही जो आसपास की वस्तुएं उसे दिखाई देती हैं तो उनके प्रति जिज्ञासु होता है। वो उनको समझना चाहता है, वो जानना चाहता है ये क्या है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो भी उसके माइंड में आते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्वेश्चन बहुत पुटअप करते हैं वो। तो क्रो एंड क्रो का भी यही कहना है कि शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है। ट्रिक से डेफिनेशन ऐसे बनाई है मैंने, बच्चे में जिज्ञासा अधिक होती है, तो इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रूसो। रूसो का कहना है कि बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं से वो सीखता है, 5 वर्ष तक इन्हीं के द्वारा सूचना पहचान याद कर सकता है। रूसो का कहना है कि बालक के जो हाथ पैर नेत्र होते हैं
तो वह उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। 5 वर्ष तक इन्हीं के द्वारा वह सोचता है, इन्हीं के द्वारा वह चीजों को पहचानता है और इन्हीं के द्वारा उन्हें याद रख सकता है। तो ये सभी क्या थी, डेफिनेशन थी। तो हमने इन्हें अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट देखिए कुछ और डेफिनेशन है, इनमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होगी वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है जे न्यूमैन। जे न्यूमैन कहते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता रहती है। न्यूमैन का कहता है, न्यूमैन को न्यू से याद रखिएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो जो कुछ नया देखता है वो सभी ग्रहण कर लेता है। तो ये कब होता है, ये शैशवावस्था में होता है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था में। ये किसका कहना है, जे न्यूमैन का कहना कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता रहती है, बहुत सारी चीजें जो है वो ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन गैसेल की। गैसेल कहते हैं कि बालक प्रथम 5 वर्षों के बाद के 12 वर्षों में दुगना सीख जाता है। तो गैसेल का कहना है कि बालक जो है प्रथम 5 वर्षों में जितना सीखता है उसके बाद के 12 वर्षों से वो दुगना सीख जाता है। यानी कि इनका भी यही कहना है कि 5 वर्ष तक का बालक जो है वो ज्यादा सीखता है, ज्यादा कैचिंग पावर जो है वो उसके अंदर ज्यादा होती है। तो ट्रिक क्या है, गैस से 5 मिनट में चीज बन जाती है। ठीक है, तो हमने याद फ्राइड में भी ये याद रखा था कि 5 मिनट में मैगी बन जाती है। तो इसी तरीके से गैसेल है, गैसेल की डेफिनेशन को हमने याद कैसे किया कि गैस से 5 मिनट में चीज बन जाती है। डेफिनेशन जो है वो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जब होता है जब हम उसके शब्दों को ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि हम पढ़ रहे हैं शैशवावस्था, तो हम जन्म से 5 वर्ष तक की बात कर रहे हैं, तो अब वो 5 वर्षों में एक बच्चे के अंदर क्या-क्या क्वालिटी होती है, कैसा बच्चा होता है, इस चीज को माइंड में रखकर और फिर डेफिनेशन को समझ के और ट्रिक के द्वारा उसे याद करने की कोशिश करें, तो एक दो बार में ही ये चीज याद हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंग के अनुसार, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। वह अपने वह संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। ठीक है, स्ट्रेंग का कहना है कि स्ट्रेंग जो है वो पहले 2 वर्षों की ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यानी बेस जो है वो बन जाता है। वह अपने संसार के बारे में जो भी कुछ सीखता है वो खेल के माध्यम से सीख जाता है। ये कहना है स्ट्रेंग का। नेक्स्ट डेफिनेशन है हरलॉक की। हरलोक महोदय शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक की मानी जाती है। अब हरलोक ने तो और भी कम टाइम जो है वो बताया है शैशवावस्था का। उन्होंने बताया कि जन्म से केवल 2 सप्ताह तक, केवल 2 सप्ताह तक, यानी केवल 14 दिन का जो शिशु होता है वही शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। ये कहना है हरलोक का। नेक्स्ट है ब्रिजेश के अकॉर्डिंग। ब्रिजेश कहते हैं कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना पाई जाती है। ठीक है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि शैशवावस्था की एक विशेषता होती है कि वहां पर उत्तेजना है वो पाई जाती है, संवेग पाए जाते हैं, जैसे रोना हंसना ये सभी क्या है, शिशु जो है वो रोकर अपने संवेग जो है वो व्यक्त करता है, हंसकर करता है, तो ये क्या है, संवेग है। तो ब्रजेश कहते हैं कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना पाई जाती है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ब्रिज के इर्द गिर्द पानी में उत्तेजना होती है, बिल्कुल होती है। ब्रिज जो होता है, पुल होता है, उसके इधर और उधर इर्द गिर्द पानी में क्या होती है, उत्तेजना होती है। तो इसी तरीके से याद रखिए, ब्रिजेस से ब्रिज और उत्तेजना वर्ड आया है इसमें, तो उत्तेजना। ठीक है, अब ये डेफिनेशन थी। देखिए एनसीईआरटी और आरबीएसई इन बुक्स से मिलाकर ये जो नोट्स हैं वो आपके तैयार किए गए हैं। यहाँ से बाहर जो है वो आपका, अगर बाई चांस आपका एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है, लेकिन आपका 98% पेपर जो है वो यहीं से बनता है। ठीक है, और ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर ऊपर होता है कि वो एक दो तो क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आपका डाल सकता है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन आपको सभी याद रखनी है, लेकिन आपको जॉन लॉक की, वैलेंटाइन की, फ्राइड की, वॉटसन की, और देखिए क्रो एंड क्रो की, तो 2 बार डेफिनेशन जो है वो पूछी भी जा चुकी है। इसके अलावा
गैसेल की और ब्रजेश की, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए शैशवावस्था में। ये वो डेफिनेशन है जो पहले पूछी भी जा चुकी हैं और पूछी भी जाएंगी। चलिए अब हम करते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। देखिए आपने यहाँ बाल विकास के अंदर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनको अगर आपने इनकी विशेषताओं को, डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया, तो ये सोचिए साइकोलॉजी का आधा काम जो है वो आपने कर लिया, क्योंकि ये बेस है, यहीं से आगे चल के आपकी जो भी यूनिट है तो वो टॉपिक स्टार्ट होते हैं। तो ये चीजें तो आपको यहीं पर याद करनी होगी। मैं आपको पढ़ाती हूँ, साथ साथ में आप मेरे इनको समझते जाएं और याद भी करते जाएं। चलिए विशेषता पढ़ते हैं। हमने देखा था कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श काल है। अब आपको ये बिल्कुल याद ही हो गया होगा कि अगर बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, तो आपको करना कहाँ है, शैशवावस्था पर टिक करना है, अगर महत्वपूर्ण और आदर्श काल वर्ड आ रहे हैं। खेल की आयु है ये, देखिए खेल की आयु से ज्यादा ये खिलौनों की आयु है। कौन सी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये खेल की आयु ना होकर ये है खिलौनों की आयु, ठीक है, याद रखना है, टॉय एज है ये। नेक्स्ट है शारीरिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है क्योंकि पहले 5 वर्ष में बालक का जो शरीर है वो बहुत तेज गति से डेवलप करता है। उसके बाद बाल्यावस्था जब आएगी तब शारीरिक विकास थोड़ा सा मंद हो जाएगा और फिर किशोरावस्था में दोबारा से तीव्र हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में किशोरावस्था भी है और शैशवावस्था भी है तो आंसर आप करेंगे शैशवावस्था को सही, क्योंकि किशोरावस्था से भी अधिक तेज गति से विकास जो है वो शैशव अवस्था में होता है, ठीक है, क्लियर है ये। और ये खेल की आयु ना होकर खिलौनों की आयु है, इसे आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ठीक है, तो यहाँ शारीरिक विकास तीव्र गति से तो होता ही है, इसके अलावा सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र होती है। बच्चा जो है बहुत जल्दी कैच करता है, उसे जितना सिखाना चाहते हो सिखा लो। अगर आपके आसपास या आपके घर पर ही कोई छोटा बच्चा है और वो 5 वर्ष का है तो उसे आप जितना सिखाना चाहते हो सिखा लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें वो बहुत कुछ सीख सकता है जितना आप सिखाना चाहते हो। वॉटसन भी यही कहते हैं, उन्होंने तो अपने बेटे पर ही प्रयोग किया था, उन्होंने बोला था कि मुझे तो कोई भी बालक दे दो, आप उसको जितना सिखाना चाहते हो मैं उसको सिखा सकता हूँ। तो ऐसे ही शैशवावस्था जो है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है। नेक्स्ट है भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था, ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज जो है वो बहुत अधिक तीव्र गति से सीख जाता है। देखिए एक है जो कि लैंग्वेज जो है, एक जो उम्र होती है शैशवावस्था, जिसमें अगर किसी के घर पर मानिए कि वहां पर इंग्लिश बोली जाती है, तो बच्चा जो है जो कि शैशवावस्था में है, 0 जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था में, तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। लेकिन जब बाल्यावस्था आती है और उसे अचानक से इंग्लिश सीखने को दे दी जाती है तो उसे थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर देखिए भाषा सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है, याद रखना है 2 से 6 वर्ष है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष का बालक जो है वो भाषा सीखने में सक्षम नहीं होता है, तो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है 2 से 6 वर्ष, बिल्कुल याद रखना है 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है अनुकरण करने की अवस्था, इमिटेशन, यानी कि बच्चा जो है वो देखकर वैसा ही करने लगता है जैसा सामने वाला कर रहा है, उसकी उसके माता पिता जैसा भी व्यवहार कर रहे होते हैं उसको वह कैच कर लेता है, उनकी वो नकल करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ से याद रखना है कि जन्म से 5 वर्ष की अवस्था शैशव अवस्था में बच्चे में अनुकरण करने की शक्ति होती है, वह अनुकरण करता है, बहुत ज्यादा अनुकरण करता है, ठीक है, तो इसीलिए सीखने की प्रक्रिया में भी उसमें तीव्रता होती है। फ्राइड के अनुसार शैशव अवस्था काम प्रवृत्ति की अवस्था है। अब फ्राइड कहते हैं कि जो शैशव अवस्था है यह काम प्रवृत्ति की अवस्था है। नेक्स्ट है नैतिकता का अभाव, तो बच्चे के अंदर जो है वो नैतिकता का अभाव पाया जाता है, उसे नहीं पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि अगर वो किसी चीज की डिमांड करता है तो वो उसे चाहिए, क्योंकि चाहे वो गलत ही क्यों ना हो लेकिन उसके अंदर नैतिकता के अभाव के कारण वह यह करता है, उसे नहीं पता होता है कि ये गलत है, इसके लिए वह दूसरों की जो चीज है, कोई भी खिलौना है, उसको भी उठाने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है दूसरों पर निर्भरता, अब जो शैशवावस्था में बालक होता है
वो दूसरों पर निर्भर करता है। एक जो शिशु है वह अपनी माता पर निर्भर करता है, थोड़ा सा वो 2 वर्ष के बाद जब बड़ा होता है तब भी वह अपने माता पिता और अपने भाई बहनों पर डिपेंड होता है, क्योंकि वह इतना सक्षम नहीं होता है कि वह स्वयं किसी भी प्रकार का निर्णय ले सके, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता की भावना भी नहीं होती है, क्योंकि वह अनुकरण के द्वारा ही हर चीज को सीख रहा होता है, तो वह पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। तो शैशव काल जो है, शैशव अवस्था, इसमें जो भी व्यवहार कर रहा होता है बालक, तो उसका आधार होता है मूल प्रवृत्तियां, यानी कि वह अपने संवेगों के द्वारा ही अपने भाव को प्रकट करता है। नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। अब शैशव अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही वह आपकी बातों को दोहराएगा, जैसा आप करोगे वैसा ही वह करेगा, तो ये वही बात है, अनुकरण करने की अवस्था है, तो इसमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए यहाँ एक पॉइंट है मुस्कान की अवस्था। तो मुस्कान की अवस्था जो है वो 3 माह का बालक जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद है शैशव अवस्था में प्रसन्नता अधिक होती है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसकी अपेक्षा शैशव अवस्था में बहुत ज्यादा प्रसन्नता दिखाई देती है। नेक्स्ट है जिज्ञासु प्रवृत्ति। अब देखिए कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में होती है या किशोरावस्था में या शैशव अवस्था में, तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि हम बाल्यावस्था में सोचते हैं कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो वहीं पर होती है, लेकिन देखिए 2 से 6 वर्ष का जो बालक होता है उसको आप देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति जो है वो उसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होती है तो वो हर चीज को जानना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है, हर चीज को जानकर वह सीखना चाहता है, तो जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वह शैशव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है समाजीकरण प्रारंभ। अब वो समाज में आकर अपना व्यवहार जो है वो करना सीखने लग जाता है। 3 महीने के बाद समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सबसे पहले उसकी माता आती है, ठीक है, माता के बाद उसके माता पिता और अन्य जो रिश्तेदार हैं वो आते हैं, फिर जो उसके भाई बहन हैं वो आते हैं, ठीक है, और उसके बाद बाहर जब घर से बाहर निकलता है तो वहां उसे समाजीकरण देखने को मिलता है, लेकिन प्रारंभ जो है वो उसका 3 महीने के बाद हो जाता है। तो यह क्वेश्चन जो है यह इस तरीके से पूछा जाता है कि समाजीकरण का प्रारंभ जो है वो किस अवस्था से हो जाता है, तो प्रारंभ जो है वो शैशव अवस्था से हो जाता है, लेकिन समाजीकरण जो है उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व वो बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि उसमें उसके पास पड़ोस, उसके दोस्त, रिश्तेदार और स्कूल, यहाँ वो समाजीकरण सीखता है, ठीक है, लेकिन प्रारंभ जो है वो शैशव अवस्था में हो जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। विपरीत लिंगी लगाव। देखिए एक जो शैशव अवस्था और किशोरावस्था, इन दोनों में ही विपरीत लिंगी लगाव होता है, या बच्चा होता है उसका अपनी माता के प्रति और जो बच्ची होती है उसका अपने पिता के प्रति लगाव बहुत अधिक होता है, यही स्थिति जो है वो किशोरावस्था में होती है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यहाँ पर वह केवल अपने माता पिता के संपर्क में ही आता है। तो आज हमने शैशवावस्था को अच्छे से समझ लिया है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाल्यावस्था। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, आपको अगर आपको इन टॉपिक में ही समझने में परेशानी हुई तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप नहीं समझ पाएंगे, तो साइकोलॉजी से डरना नहीं है, साइकोलॉजी को आपको इतने अच्छे तरीके से जीना है कि ये अपने ऊपर अप्लाई करके ही चलिए, आप साइकोलॉजी को आप समझ लेंगे तो ऑल सब्जेक्ट की जो शिक्षण विधियां हैं वहां भी आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर भी आपको ये हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।